आपकी जात बाबरकत हो जाएगी। और जब आपकी जात बाबरकत हो जाएगी तो बड़े बड़े मकासिद हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं ठहरेगी। मैं जरूर यहां पे यह कहना चाहूंगा, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या आप जिंदगी में कमाल हासिल करना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आज से 5 साल 10 साल के बाद आपको वो अरूज नसीब हो कि जिसको खुद आप देख के वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाएं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप बाशऊर हैं, आप जी फहम हैं, आप इदराक रखते हैं इस जिंदगी का कि यह जिंदगी एक सफर है। हर इंसान, हर बाशऊर इंसान जिंदगी में कामयाबी चाहता है, जिंदगी में अरूज चाहता है, लेकिन क्या सबको मिलता है वो अरूज, वो कमाल जो वो चाहता है, जिसके ख्वाब उसने देखे? शायद नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में अरूज और कमाल हासिल करते हैं। जब हम अरूज या कमाल की बात करते हैं, जब हम कामयाबी की बात करते हैं, आज के इस मौजूद वक्त में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम शायद किसी सफर की बात कर रहे हैं। जब सफर की बात कर रहे हैं तो हम शायद किसी सिमत आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। उसके लिए हमें टूल्स चाहिए होते हैं। सफर के लिए अगर आप अमूमी तौर पे देख लें कि अगर आपने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना हो तो आपको गाड़ी चाहिए होगी, बाय एयर ट्रेवल करेंगे तो आपको जहाज चाहिए होगा। तो गाड़ी या जहाज ये टूल हैं। अगर हम PhD या साइंटिस्ट आप बनना चाहते हैं तो आपकी जो तालीम है वो साइंटिस्ट बनाने के लिए वो एक टूल की हैसियत रखती है। यकीनन हम लोग फोकस उस चीज पे करते हैं जो चीज हमें मददगार हो आने वाले वक्तों में कि हमारे टारगेट्स हासिल हो सके। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि जितने भी टूल्स आप हासिल करते हैं या करना चाहते हैं वो तमाम के तमाम आपकी जात से हट के हैं? ये आप हैं और ये तालीम है अलग से, ये आप हैं और ये गाड़ी है। जबकि थोड़ा सा गौर व फिक्र करने पे हमें ये समझ आती है कि हमारी जात के अंदर अल्लाह ने बेपनाह ताकत रख दी है, अनबिलीवेबल पोटेंशियल आपकी जात के अंदर मौजूद है। इसी तरह वासिफ अली वासिफ सरकार एक जगह फरमाते हैं कि आंखों की इबादत, टूल आंखें देखना, यह भी कहा गया है कि आंखें रूह की खिड़कियां हैं, तो आंखों से हम देख रहे हैं। तो वासिफ साहब कहती हैं कि आंखों की इबादत किसी अंधे को कुएं से बचाना है कि वो उस कुएं में जा ना गिरे। जब हम बात करते हैं टूल्स की, आंखें टूल हैं कि इनसे आप क्या देख रहे हैं, इनसे आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। उसी तरह हम बात करते हैं इन हाथों की कि ये हाथ भी टूल हैं, इनसे आप काम करते हैं, इनसे आप खाना खाते हैं, तो आप इन हाथों से और क्या क्या काम कर रहे हैं। जब हम इन हाथों की बात करते हैं तो हम इस चेहरे की बात करते हैं, हम इस पूरे वजूद की बात करते हैं। हमें अल्लाह पाक ने जो जाहिर में और बातिन में जो ताकत अता कर दी है, हम उस ताकत की बात करते हैं। क्या आप अगर अपने आप से सवाल पूछें कि अल्लाह ने जो ताकत आपको दी है क्या आप वो ताकत सारी की सारी इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो सबसे पहले आपने इदराक हासिल करना है, आपने समझ हासिल करनी है कि अल्लाह ने आप पे खास करम करते हुए आपको मुख्तलिफ टूल्स दिए कि आप कमाल की तरफ सफर करें। अब उन टूल्स को आप जिस रुख पे इस्तेमाल करेंगे नताइज ठीक उसी तरह के आएंगे। अगर आप उन टूल्स को इन्हीं हाथों से अगर आप चोरी के लिए इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं हाथों से अगर आप किसी कमजोर की मदद करेंगे तो वो इन हाथों की इबादत करार पाएगी। अगर इबादत को आम फहम जुबान में मैं समझना चाहूं तो मैं बरकत कहूंगा। इबादत बरकत पैदा करती है। अगर आप
देख सकते हैं और आप एक अंधे को कुएं से बचाते हैं, तो आपकी निगाह, नजर से निगाह बन रही है। आप सिर्फ 10 फुट तक नहीं देख पाएंगे, आप दूर तक 10 सालों के बाद तक देख सकने की अहलियत हासिल कर लेंगे। तो अल्लाह करीम ने जो आपको ताकत अता की है, जो आपको अहलियत अता की है, उस अहलियत और ताकत को जिनके पास वो अहलियत कम है या जिनके पास वो अहलियत सिरे से मौजूद ही नहीं, उनकी मदद करने में इस्तेमाल करने से आपकी ज़ात बाबरकत हो जाएगी। और जब आपकी ज़ात बाबरकत हो जाएगी तो बड़े बड़े मकासद हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं ठहरेगी। मैं ज़रूर यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो हमें समझ ये आती है कि इस कायनात के अजीम हीरो, मर्द आला, मर्द कमाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी अहलियत, उन्होंने अपना वजूद दूसरे इंसानों की खिदमत और उनकी तरक्की के लिए और उनकी कामयाबी के लिए, कि वो गहरे कुएं में ना गिरें, कि वो अंधेरी दुनिया के मुसाफिर ना ठहरें, उसके लिए इस्तेमाल किया। और जब उन्होंने दूसरों के लिए उस ताकत को, अल्लाह के दिए हुए टूल्स को इस्तेमाल किया, तो रहमतुल्लिल आलमीन का लकब पाया और सरदार ठहरे तमाम अंबिया के। वो इसी तरह जो आपकी आंखें हैं, जो आपके हाथ हैं, जो आपका वजूद है, अगर इस वजूद से आप कमज़ोर की, अपने वालिद की, अपनी वालदा की, अपनी बहनों की अगर आप हेल्प करते हैं तो बाबरकत हो जाएंगे आप, और आप हासिल करेंगे वही कमाल, वही अरूज जिसका आप बचपन से, जिसके ख्वाब देखते चले आ रहे हैं। तो अपने आप को कमतर कभी भी ना समझिएगा, अपने आप को उठाइए, अपने आप को बुलंद कीजिए और सर बुलंद होकर अल्लाह ने जो आपको अता किया है, ये आंखें, ये चेहरा, ये आवाज़, ये जुबान इस्तेमाल करें, ये वजूद इस्तेमाल करें। कुरान करीम ने क्रिस्टल क्लियर हमें बता दिया है, बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में है। जी, तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने अमल किया, एक्शन किया, एक्शन अमल, कोई भी अमल इस वजूद के साथ, अच्छा पॉजिटिव राइटियस डीड्स, अच्छा अमल किया और फिर उसके बाद हक की तबलीग की और फिर एक दूसरे को सब्र की तलकीन की, एक दूसरे को हौसला दिया, वही लोग कामयाब हैं। तो कामयाबी का जो मयार अल्लाह पाक की ज़ात तय कर रही है, जो मेरे जैसे बंदे को समझ आ रहा है, वो ये समझ आ रही है कि ईमान, अमल सालेह, एक दूसरे को हक की तबलीग करना जुबान से और एक दूसरे को तलकीन करना सब्र की, और यही कामयाबी है। मैं बहुत मशकूर हूँ, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए थी, यंगस्टर्स के लिए। मैं बहुत मशकूर हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी तो आप ज़रूर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह हाफिज़।